बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को कार्बोहाइड्रेट कहने की रीज़न ये है कि कार्बोहाइड्रेट की कंपोजिशन में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं। और कहा ये जानते हैं कि उसमें कार्बन के अलावा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो वही होता है जो कि वाटर में प्रेजेंट होता है। That is why this is known as a hydrated carbon या hydrates of carbon। अगर हम notice करें इसके general formula को, तो इसके general formula में C की value X और H2O की value हम Y से show कर रहे हैं। यहाँ पर X और Y same भी हो सकते हैं और X और Y differ भी कर सकते हैं। X और Y की जो सबसे कम value होनी चाहिए that should be 3 और मैक्सिमम तो ये मेनी थाउजेंड तक जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स और वाई की जो रेंज है इट इज 3 to many thousands। अगर हम इसको डिफाइन करें तो केमिकली हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन है। एल्डिहाइड और कीटोन, दीज आर द फंक्शनल ग्रुप्स। व्हाट इज पॉलीहाइड्रोक्सी? पॉली का मीनिंग क्या है? मेनी। हाइड्रोक्सी की टर्म हम यूज कर रहे हैं हाइड्रोक्सल से। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी ऐसी कार्बन चेन जिसमें हर कार्बन के साथ किसकी प्रेजेंस होगी? हाइड्रोक्सल की, एक्सेप्ट द वन कार्बन जिसपे के एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप लगा हुआ होगा, उस कार्बन पे हाइड्रोक्सल नहीं होगा। उसके अलावा तमाम कार्बन पे किसकी प्रेजेंस होती है? हाइड्रोक्सल की। दैट इज वाई दिस इज नोन एज द पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप। ये आपके सामने एल्डिहाइड, दिस इज द कीटोन। और अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगी कि हम क्यों और कैसे ये जानेंगे कि दिस इज द एल्डिहाइड शुगर और दिस इज द कीटोन शुगर। इसी तरह यहां पर मैंने मेंशन किया हुआ है कि हम इसको एक और तरीके से भी पहचान सकते हैं। अगर कार्बोनाइल ग्रुप अगर कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो चेन के टर्मिनल पर प्रेजेंट हो तो तब उसको क्या नाम देंगे? अगर कार्बोनाइल ग्रुप अदर देन टर्मिनल प्रेजेंट हो तो उसको क्या नाम देंगे? यस क्लास, कार्बोहाइड्रेट की डिटेल पे जाने से पहले कि हम उन्हें कैसे पहचानेंगे कि ये एल्डो शुगर है या कीटो शुगर है, हम सबसे पहले इसकी क्लासिफिकेशन को डिस्कस कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट ग्रीक वर्ड सैक्रॉन से एक टर्म निकली कार्बोहाइड्रेट में, और उसका नाम क्या है? सैक्रॉन के टर्म के यूज किए जाते हैं सैकेराइड्स। सैकेराइड्स का मतलब क्या है? शुगर्स। हम कार्बोहाइड्रेट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। आप लोगों को आइडिया है ऑलरेडी मोनो का मतलब क्या होता है, 1। सैकेराइड का मतलब अभी हमने डिस्कस किया क्या होता है, शुगर। तो मोनोसैकेराइड का मतलब क्या हुआ? Which contain only one sugar. Oligosaccharide, saccharide पता चल गया आप लोगों को, that is sugar. What is oligo? Oligo का मतलब क्या होता है? Few. और उस few के अंदर जो हमारे पास range of sugar होती है, that is 2 to 10. Third category is the polysaccharide. और poly का मतलब क्या होता है? Many. और हम इसमें जो number लेंगे, that will be more than 10. तो ये तो हमने इनके नाम के accordingly उसका meaning discuss कर लिया कि उसमें कितने नंबर ऑफ शुगर्स हैं। अगर हम बात करें इसको कॉमनली क्या कहते हैं, तो मोनोसैकेराइड्स को कॉमनली कहा जाता है सिंपल शुगर्स, और ओलिगोसैकेराइड को इसके कंपैरिजन में कहा जाता है कॉम्प्लेक्स शुगर, और पॉलीसैकेराइड इन दोनों की कंपैरिजन में क्या कहलाती है? मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड या मोस्ट कॉम्प्लेक्स शुगर्स। अगर हम बात करें इनकी टेस्ट की, तो इन तीनों कैटेगरीज के अंदर जो सबसे स्वीटेस्ट इन टेस्ट है दैट इज मोनोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड इसके मुकाबले में लेस स्वीट है, और अगर हम पॉलीसैकेराइड की बात करें तो दीज आर द टेस्टलेस शुगर्स। इसी तरह सॉल्युबिलिटी हम वाटर में इसकी डिस्कस करें, सबसे ज्यादा सॉल्युबल मोनोसैकेराइड है, ओनली दे हैव ओनली वन शुगर। उसके बाद लेस, इसके मुकाबले में लेस सॉल्युबल कौन से? ओलिगोसैकेराइड। और बहुत मुश्किल से जो डिजोल्व होते हैं, समटाइम्स हमें हीट करना पड़ता है उसको डिजोल्व करने के लिए, दीज आर द पॉलीसैकेराइड। इसके लिए टर्म क्या लिखी? स्पैरिंगली सॉल्युबल। हाइड्रोलाइसिस ऑलरेडी हम पिछली वीडियोस में हमने डिस्कस कर चुके हैं कि हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है। जब कभी भी लार्ज मॉलिक्यूल बाय द हेल्प ऑफ वाटर
स्मॉल कंपोनेंट्स में तोड़ दिया जाए, तो इसके लिए हम टर्म के यूज करते हैं हाइड्रोलाइसिस। तो देखिए यहां पर हम डिस्कस करें कि मोनोसैकेराइड को हम हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज। व्हाई, क्यों नहीं हो सकते? उसकी रीजन क्या है? क्योंकि ये खुद किसमें कंसिस्ट करते हैं? ओनली द वन शुगर। तो ये हाइड्रोलाइज होकर क्या बना सकते हैं? फर्दर शुगर में डिवाइड नहीं हो सकते। यहां से इस पॉइंट को सुनकर या समझकर आपको आइडिया हो गया होगा, इसका मतलब कि ओलिगो और पॉलीसैकेराइड क्या हो सकते हैं? दे कैन बी हाइड्रोलाइज्ड। अच्छा, ये क्यों हाइड्रोलाइज हो सकते हैं? क्योंकि इनके अंदर नंबर ऑफ शुगर जो है वो मोर देन वन है, यानी कि टू से स्टार्ट हो रहे हैं और मेनी नंबर ऑफ शुगर्स आर देयर, दैट इज व्हाई दीस बोथ कैन बी हाइड्रोलाइज्ड। जनरल फॉर्मूला अगर हम डिस्कस करें तो कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला ये आपके सामने। अगर हम बात करें ओलिगोसैकेराइड की, ये जनरल फॉर्मूला जो है स्पेशली डाइसैकेराइड्स के लिए, एंड दिस इज द जनरल फॉर्मूला जो भी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया फॉर द पॉलीसैकेराइड। क्लासिफिकेशन हम किन बेसिस पे कर सकते हैं मोनोसैकेराइड की? मोनोसैकेराइड को हम क्लासिफाई किस बेस पे करेंगे? शुगर तो इसमें एक ही है, तो फिर कैसी चीज है जिसमें हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं? हम इसको कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम, यानी कि कार्बन एटम कितने हैं उसकी बेस पर। और हम जब अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम को, तो इसकी रेंज होती है 3 to 7 कार्बन जो कि हमें मोनोसैकेराइड में मिलते हैं। और आप इनकी बेसिस से आपने टर्म सुनी होगी, बल्कि अभी हम आगे डिस्कस भी करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ट्रायोसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस, हेक्सोसिस, ये सारी की सारी क्लासेस हैं जिसकी मोनोसैकेराइड। सेकेंड कैटेगरी जो है मोनोसैकेराइड की वो क्या होती है? आप इसको फंक्शनल ग्रुप की बेस पर, जैसे मैं भी स्टार्टिंग में बता रही थी किसका फंक्शनल ग्रुप जो है वो एल्डिहाइड या कीटोन होता है, तो हम फंक्शनल ग्रुप की बेस पर भी इसको कैटेगराइज करते हैं। जैसे कि अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तब हम टर्म यूज करते हैं एल्डो शुगर, और अगर कीटोन ग्रुप है तो तब हम टर्म के यूज करेंगे कीटो शुगर। लेकिन ओलिगोसैकेराइड को हम किस बेस पे क्लासिफाई करते हैं? हम इसको क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड, कितने मोनोसैकेराइड के अंदर स्प्लिट हो रहे हैं। अगर कोई भी ओलिगोसैकेराइड स्प्लिट होकर हाइड्रोलाइज होकर 2 units बनाते हैं मोनोसैकेराइड के, तब हम उसके लिए टर्म के यूज करेंगे डाइसैकेराइड। डाई का मतलब क्या होता है? 2 सैकेराइड शुगर्स। 3 components में टूट रहे तो हम टर्म के यूज करेंगे ट्राइसैकेराइड, एंड सो ऑन, टेट्रा, पेंटा, एंड सो ऑन, यूं हम इसको डिस्कस करते जाएंगे। पॉलीसैकेराइड को किस बेस पे क्लासिफाई करेंगे? हम इसको क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि वहां पर स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कैसी, लीनियर चेन है, ब्रांच चेन है, लिंकेजेस उसके अंदर क्या है, इनकी बेसिस पर, स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी की बेसिस पर हम इसको कैटेगराइज करते हैं। जैसे कि स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ पॉलीसैकेराइड्स। ओके क्लास, इफ वी टॉक अबाउट द मोनोसैकेराइड्स, अभी हमने डिस्कस किया था कि मोनोसैकेराइड्स के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं 3 to 7, और जितने भी कार्बन एटम्स हैं उनके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होगा सिवाय एक कार्बन एटम के, जिसमें कि किसका किसकी अटैचमेंट होती है? फंक्शनल ग्रुप की, जैसे कि एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप। क्लास, अभी आप नोटिस करिएगा, ये स्ट्रक्चर है मोनोसैकेराइड का। आप देख रहे होंगे कि इस मोनोसैकेराइड के अंदर कार्बन का नंबर कितना है? 1, 2, 3। इस मोनोसैकेराइड में भी कार्बन का नंबर कितना है? 1, 2, 3। तो इसका मतलब क्या हुआ? दीज आर द ट्रायोसिस, यानी कि इस पे 3 carbon है। सेकेंड चीज जो आपने नोटिस करनी है वो ये कि इस स्ट्रक्चर के अंदर फंक्शनल ग्रुप कहां पर अटैच है। ये आपके सामने, ये जो ब्लू कलर में आपको नजर आ रहा है CHO, दिस इज द एल्डिहाइड ग्रुप, और वो वाली शुगर जिसमें कि एल्डिहाइड ग्रुप अटैच होता है हम उसके लिए टर्म यूज करते हैं एल्डो शुगर। थर्ड पॉइंट जो आपने नोटिस करना है वो ये कि यहाँ पे कार्बन का नंबर तो 3 है, कार्बन आर 3, हाइड्रोजन का नंबर कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, सो दीज आर द 6 hydrogen, और ऑक्सीजन कितने हैं? 1, 2, 3, सो इट इज द C3H6O3, और फंक्शनल ग्रुप क्या है? एल्डिहाइड। मैंने आपको लेक्चर के शुरू में बताया था कि अगर मैं सिर्फ इस स्ट्रक्चर की, यानी कि कार्बोनाइल ग्रुप की बात करूं, अगर कार्बोनाइल ग्रुप पूरी कार्बन चेन के टर्मिनल पर प्रेजेंट हो तो तब हम टर्म यूज करते हैं दिस इज द एल्डो शुगर। अब आप इस स्ट्रक्चर को नोटिस कीजिएगा, यहां पर आप फिर से काउंट करें कितने कार्बन है, 1, 2, 3, हाइड्रोजन का नंबर चेक करें, 1, 2, 3,
फोर फाइव सिक्स, सिक्स हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितने, वन टू थ्री, राइट। देखिए ये आपके सामने कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, दिस होल इज, स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था। लेकिन अगर मैं फंक्शनल ग्रुप सिर्फ कार्बोनाइल की बेसिस पे डिस्कस करूं, तो आपने देखा है कि अदर देन टर्मिनल कार्बोनाइल ग्रुप अगर प्रेजेंट हो तो हम उसके लिए टर्म क्या यूज करते हैं, कीटोन ग्रुप। तो हम इसको दो वेज के अंदर डिस्कस कर रहे हैं, एल्डिहाइड ग्रुप कहां पे प्रेजेंट है, एट द टर्मिनल, कीटोन ग्रुप कहां पे प्रेजेंट है, अदर देन द टर्मिनल। और अगर मैं सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप को हटाकर सिर्फ कार्बोनाइल ग्रुप की बात करूं, तो भी मैं ये कह रही हूं कि कार्बोनाइल ग्रुप अगर टर्मिनल पे प्रेजेंट है तो हम कहते हैं दिस इज एल्डिहाइड ग्रुप, और अगर कार्बोनाइल ग्रुप अदर देन द टर्मिनल प्रेजेंट है तब हम टर्म के यूज करेंगे कीटोन ग्रुप। इसी तरह से आपने एक और चीज देखी, इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C3H6O3, इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C3H6O3। इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है बट देयर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज डिफरेंट। तो ऐसे ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है, हम उनके लिए टर्म क्या यूज करते हैं, दीज आर द आइसोमर्स। तो देखिए इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, ग्लिसरेल्डिहाइड, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, और इस स्ट्रक्चर का नाम है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, और इसके अंदर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। ये भी C3H6O3 है, ये भी C3H6O3 है, नंबर ऑफ कार्बन की बेसिस पे ये भी ट्रायोजेस है, नंबर ऑफ कार्बन की बेसिस पे ये भी ट्रायोज है। तो ये अभी हम मोनोसेक्राइड में ट्रायोज को डिस्कस कर रहे थे। आपकी बुक में यही स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बने हुए, लाइक दिस। मैंने सिर्फ इस स्ट्रक्चर को एक्सपेंड किया हुआ है, नोटिस कीजिएगा ये स्ट्रक्चर यहाँ पर एक्सपेंड हुआ हुआ है, इसी तरह से ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे एक्सपेंड हुआ हुआ है, वरना ये दोनों के दोनों, ये स्ट्रक्चर सेम है, ये स्ट्रक्चर सेम है, इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, सिर्फ इन दोनों में जो डिफरेंस है वो सिर्फ किस बेस पर है, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शनल ग्रुप। ओके क्लास, अब हम डिस्कस कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स को हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम, और जो रेंज ऑफ कार्बन एटम है मोनोसैकेराइड के अंदर, ये स्टार्ट होती है 3 से अप टू 7 तक। तो वो वाले मोनोसैकेराइड्स जिसमें कार्बन का नंबर 3 है, हम उनके लिए टर्म यूज करते हैं ट्रायोजेस, और फॉर्मूला डेफिनेटली वहां पे क्या बनेगा, C3H6O3। अभी अभी हमने दो फॉर्म्स इसकी डिस्कस की हैं, एक हमने डिस्कस की ग्लिसरेल्डिहाइड और दूसरी हमने डिस्कस की डायहाइड्रोक्सी एसीटोन। इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O3 था, और ये दोनों के दोनों सब्सटेंसेस एज अ इंटरमीडिएट कंपाउंड यूज होते हैं रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। फोर कार्बन मोनोसैकेराइड्स के लिए हम टर्म यूज करते हैं टेट्रोजेस। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा ये, एल्डो फॉर्म होगी इरिथ्रोज और कीटो फॉर्म होगी इरिथ्रोलोज, और इन दोनों कंपाउंड्स को यूज किया जाता है एज अ इंटरमीडिएट कंपाउंड इन बैक्टीरियल रेस्पिरेशन। फाइव कार्बन, दीज आर द पेंटोजेस, पेंटा फाइव से निकला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C5H10O5, एल्डो फॉर्म है राइबोस, आरएनए के अंदर यूज होते हैं, और डीऑक्सी राइबोस यूज होते हैं डीएनए में, राइबोलोज ये फोटोसिंथेसिस में यूज होते हैं। सिक्स कार्बन कंपाउंड हेक्सोजेस, C6H12O6, ग्लूकोज इज द एल्डो फॉर्म, फ्रुक्टोज इज द कीटो फॉर्म, ये दोनों के दोनों एनर्जी सोर्सेस के तौर पर यूज होते हैं। सेवन कार्बन कंपाउंड इज हेप्टोजेस, C7H14O7, ग्लूकोहेप्टोज इसकी एल्डिहाइड फॉर्म है, सीडोहेप्टोलोज इसकी कीटो फॉर्म है, और ये बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में इंटरमीडिएट कंपाउंड्स के तौर पर यूज होते हैं।